दोस्तों आज की कहानी है, भाभी जी आप किस जमाने में रह रही हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शर्म तो जैसे बेस खाई है आजकल की औरतों ने। बताओ दो बच्चे हैं, परिवार हैं, अब शादी की सहनाई बजवाएंगी। बताओ देवर जी की आत्मा को कितना दुख पहुँचेगा। निया ने खाना बनाते हुए अपनी भाभी के आगे अपनी देवरानी के दोबारा शादी के कदम को गलत ठहराते हुए कहा, ठीक है ना निया, आजकल कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये सब जो उसे ठीक लगता है वही ठीक है। रागिनी भाभी ने बड़े उदासीन स्वर में डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाते हुए कहा, कमाल है भाभी आप ऐसा कह रही हो। जब बड़े भैया रागिनी के जेठ ने 2 साल पहले भाभी के स्वर्गवास के बाद शादी की थी तब तो आप बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। निया ने बड़े आश्चर्य से रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, तो मेरे सहमत ना होने से क्या फर्क पड़ा, शादी तो तब भी हुई ना, तुमने भी तो मेरी असहमति पर मुझसे बात करना छोड़ दिया था। तब क्या जेठानी जी की आत्मा दुखी नहीं हुई होगी। अब बात जब सुप्रिया निया की देवरानी की हो रही है तो तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए। आखिर परिस्थिति तो वही है ना जो तब थी। रागिनी ने निया की बात का प्रत्युत्तर दिया, एक औरत और आदमी में कोई फर्क होता है कि नहीं। एक औरत तो कोई भी कदम सब सोच कर उठाती है। रिशु 15 साल, विशु 12 साल, क्या सोचेंगे कि माँ नया बाप ले आई, मम्मी जी पापा जी क्या स्वीकार कर पाएंगे उस दूसरे आदमी को अपने बेटे की जगह पर। और मुझे तो बतानी, मैं भी शर्म आती है किसी को कि वो महारानी देवर जी के जाने के 1 साल बाद ही शादी को तैयार हो गई है। ची निया ने रिश्तों के बदलते समीकरण का वास्ता देते हुए बोला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जब तुम जेठ जी की शादी के लिए इतने मॉडर्न ख्यालों वाली बन गई थी तो अचानक आज ऐसे रूढ़िवादी कैसे हो गई। वो बात भाई की थी और ये देवरानी की, बस इसलिए जब से जेठानी जी बीमार हुई तभी से जेठ जी बाहर झांकने लगे। ये बात सबको पता थी। मुझे जब उनकी हरकतों पर शक हुआ तो मैंने आप लोगों के सामने बात रखी, तब आप ही लोगों ने एक दूसरे के साथ बात मिलाते हुए कहा, अब आदमी की अपनी जरूरतें हैं, घर में बीवी बीमार है, मन तो भटक ही जाता है। तब नेहा
21 साल और निर्वाण 16 साल जेठानी के बच्चे का था। समझदार बच्चे थे, संयुक्त परिवार था। और तो और जेठानी जी भी जान गई थी खुद की बीमारी और पराई औरत का दर्द दोनों ही तो सहा उन्होंने। तब तो किसी को परेशानी नहीं हुई। उनके जाते ही उन्होंने भी तो सब महीने मैं शादी कर ली थी। तब तो ना तो किसी को दिक्कत महसूस हुई, ना उनसे कोई सवाल पूछे गए, ना ही रिश्तों के बदलते समीकरण किसी को याद आए। वो भी तो अपने बच्चों और परिवार में मन लगा सकते थे। तब तो शर्मा जी उम्र 59 का उदाहरण दिया था आपने मुझे कि इतने बुजुर्ग लोग शादी कर रहे हैं, नाते पोते वाले भाभी आप किस जमाने में रह रही हो। रागिनी की बातों से लग रहा था जैसे वक्त खुद को फिर दोहरा रहा है। निया के दोहरे मापदंड के साथ निया रागिनी की बातें सुनकर खुद को टटोल ही रही थी कि रागिनी बोल पड़ी, देखो निया तुम गलत मत समझना, व्यक्तिगत तौर पर मैं आज भी दूसरी शादी या भरे पूरे परिवार को छोड़कर फिर से शादी की नई धारणा से सहमत आज भी नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी जरूरत है, साए जेठ जी हो या तुम्हारी देवरानी। आर्थिक पारिवारिक सहयोग और भावनाओं से हर संदर्भ में संपन्न है। अपने बच्चे परी वार में सब के साथ रह रहे हैं, फिर क्या ऐसा है जो और चाहिए। तुम्हें तो पता है कि मेरी माँ मुझे 3 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी, लेकिन मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की जबकि परिवार वाले उनके पीछे पड़े थे। आसान था उनके लिए, लेकिन उन्होंने मेरी परवरिश और अपने परिवार में अपने को ऐसे रमा लिया कि उन्हें शायद दूसरी शादी की जरूरत ही महसूस ही नहीं हुई। लेकिन आजकल बात कुछ और है, बदलते परिवेश में कई चीजें बदल गई हैं, लेकिन हम आदमी के लिए सहमत और उसी कार्य के लिए औरत से असहमत होकर दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते। इसलिए मेरे विचार से जिस तरह तुमने उस वक्त जेठ जी को पूरा सहयोग दिया, वैसे ही अपनी देवरानी को भी दो। आखिर अगर कोई जरूरत है तो वो दोनों की बराबर ही रही होगी, उसमें औरत और आदमी का क्या भेद। निया शब्द विहीन होकर एक कसम कस के साथ वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।